हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फीमेल का मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी महिला को यूज़ किया जाता है। पीरियड पेन में बोलो, किसी प्रकार का पेन में यूज़ किया जाता है। सो इसका पार्ट वन इस वीडियो में एंड दूसरा वीडियो में पार्ट टू डिस्कस करेंगे। सो वीडियो एंड तक बने रहना एंड जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर दबा दीजिए, ताकि जब हम वीडियो डालें आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रानेक्सेमिक एसिड टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 250 mg का टैबलेट है एंड इसका यूजेस क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। यूजेस। ट्रांसजेमिक एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग। ट्रांसजेमिक एसिड ब्लीडिंग में यूज होता है। किसी महिला को पीरियड पेन में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उस ब्लीडिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ए कंडीशन लाइक हैवी पीरियड, जो कि प्रिवेंट और रिड्यूस करता है ब्लीडिंग को शॉर्ट टाइम को पीरियड में कवर करने के लिए एंड पीरियड को अच्छा से होने के लिए इसको सुविधा करता है। सो नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका साइड इफेक्ट क्या है इन सभी के बारे में। साइड इफेक्ट बोन मसल जॉइंट पेन। बोन में हड्डियों में पेन वगैरह हो सकते हैं, मसल पेन एंड जॉइंट में, किसी हड्डियों का जॉइंट में पेन वगैरह हो सकते हैं। हेडेक भी हो सकते हैं। बैक पेन, बैक साइड में, बॉडी का बैक साइड में पेन वगैरह हो सकते। वोमिटिंग वगैरह हो सकते एंड एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पार्ट में पेन भी हो सकते। फैटिग्यू भी हो सकते। डायरिया भी आ सकते। साइनस में डिसऑर्डर वगैरह हो सकते एंड नशल डिस्कम्फर्ट, नाक में डिस्कम्फर्ट वगैरह हो सकते नशल पार्ट में। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नारोसिस्टेरॉन टैबलेट के बारे में, जो कि 5 mg का टैबलेट है एंड ओवरऑल यूज होता है। यूजेस, इसको कहाँ कहाँ यूज होता है। नारोसिस्टेरॉन इज यूज्ड इन हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, जो कि हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में यूज़ किया जाता है एंड पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन की वजह से पेन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस, किसी का एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एब्डोमिनल में कोई पेन वगैरह हो रहा है, वेजिनल पार्ट में कोई पेन ज़्यादा ब्लीडिंग, इन सभी को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वगैरह दिख जाए एंड उसकी वजह से कोई दिक्कत वगैरह हो रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, इन सभी को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करें, साइड इफेक्ट क्या है। यूटेराइन ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है यूट्राइन एंड वेजिनल ब्लीडिंग, वेजिनल पार्ट में ब्लीडिंग हो सकती है। वेट गेन हो सकते, ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकते है। स्किन में कोई डिसऑर्डर वगैरह हो सकते। नेक्स्ट क्लोट्रिमाजोल वेजिनल टैबलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 100 mg का टैबलेट है। इसका यूजेस क्या है एंड इसका साइड इफेक्ट क्या है। यूजेस। क्लोट्रिमाजोल वेजिनल टैबलेट्स इज यूज टू ट्रीट वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन। क्लोट्रिमाजोल टैबलेट वेजिनल पार्ट में ईस्ट की वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्लोट्रिमाजोल रिड्यूस वेजिनल बर्निंग इचिंग। क्लोट्रिमाजोल जो कि
वेजिनल पार्ट में जल रहा है, इचिंग वगैरह हो रहा है, उन सभी को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ ईस्ट फंगस दैट केसेस द इन्फेक्शन, जो कि काम करता है स्टॉप ग्रोथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट को फंगस को ग्रोथ को रोक देता है, स्टॉप कर देता है इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। साइड इफेक्ट वेजिनल पेन, वेजिनल पार्ट में पेन भी हो सकते, डिस्कम्फर्ट वगैरह हो सकते। यूरेथ्रल बर्निंग, यूरेथ्रल पार्ट में जल रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, सभी हो सकते, इचिंग वगैरह हो सकते एंड पेन भी हो सकते, इचिंग के साथ साथ पेन वगैरह हो सकते। लोअर एब्डोमिनल क्रम्प, एब्डोमिनल का लोअर पार्ट में क्रम्प वगैरह हो सकते। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एटामिसाइलेट टैबलेट के बारे में। एटामिसाइलेट टैबलेट, इसका यूजेस क्या है एंड इसका साइड इफेक्ट क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। यूजेस, एटामिसाइलेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग, जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए ब्लीडिंग में इसको यूज किया जाता है। किसी भी महिला को पीरियड पेन में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, उन सभी को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स कंट्रोल ब्लीडिंग फॉर्म टीनी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज, जो कि हेल्प करता है, कंट्रोल करता है ब्लीडिंग फॉर्म टीनी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है ब्लड, उन सभी को रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करें। इसका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट स्किन रैश, स्किन में रैश वगैरह हो सकते, हेडेक भी हो सकते, वोमिटिंग वगैरह हो सकते, डायरिया भी आ सकते एंड इंजेक्शन साइड इफेक्ट, इंजेक्शन में पेन वगैरह हो सकते, स्वेलिंग भी हो सकते एंड रेडनेस हो सकते। इंजेक्शन का साइड इफेक्ट ज़्यादा है। सो नेक्स्ट डिस्कशन में फूकोनाजोल टैबलेट के बारे में, जो कि 150 mg का टैबलेट है, सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है। आपको पता ही होगा सिप्ला बहुत बड़ा कंपनी है एंड इसका टैबलेट मार्केट में अवेलेबल पाया जाता है। यूजेस, फ्लोगोनाजोल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंजाल इन्फेक्शन, जो कि फंजाल इन्फेक्शन के यूज़ किया जाता है। किसी का फंजाल की वजह से इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसको रोकने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इट हील एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द फंगी by destroying its cell membrane, thereby treating your skin infection, जो कि मार देता है एंड kill and stop growth, जो कि फंगी को मार देता है एंड उसका ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, destroying its cell membrane में, thereby treating your skin infection and treat करता है skin infection पे, बहुत अच्छा रखता है। नेक्स्ट इसका साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस है। साइड इफेक्ट हेडेक, इसको यूज़ करने के बाद हेडेक वगैरह हो सकते, स्टोमक पेन, स्टोमक में पेन वगैरह हो सकते, डायरिया भी आ सकते बीइंग सिक हो सकते एंड रैश हो सकते। सो फ्रेंड, आज का वीडियो या फ्रेंड है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।